हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पे ही जो मलाई आपके दूध पे जमा होती है उससे आप कैसे मक्खन, घी और छेना बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ दिन जमा की हुई मलाई चाहिए, जिसे आपको स्टोर करके रखना है रेफ्रिजरेटर में। आपको उसे स्टोर करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर में, वरना वो खराब हो जाएगी। अगर आप उसे स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में नहीं रख रहे हैं और आप नॉर्मल फ्रिज में उसे रखते हैं, तो आपको उसमें डेली 3-4 दिन के अंदर दही ऐड करना होगा, या फिर छाछ, या फिर ताकि वो खराब ना हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिले और मेरे वीडियोस आप सारे के सारे देख सके। चलिए इसे बनाना शुरू कर। फ्रीजर में ही स्टोर करके रखनी है आपने। ये मलाई जो है एकदम फ्रीज्ड फॉर्म में है, तो इसे मैं 2-3 घंटे के लिए ऐसे बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगी कि आगे क्या करना है आपको। देखिए, तो फ्रेंड्स, जो मलाई मैंने आपको पहले दिखाई थी, जो कि बिल्कुल जमी हुई थी, अब आप उसे देखेंगे ये मेल्ट हो चुकी है। मैं इसे 3 घंटे बाद करीबन देख रही हूँ, ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं सारी की सारी मलाई जो मेरी है उसे मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर। इसे अच्छे से फेंट लेना है, हाथ से इसी तरीके से फेंटते रहेंगे तो भी मलाई में से मक्खन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस से बचना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक इजी सा मेथड बता रही हूँ। अब हम इसमें एकदम चिल्ड वाटर मैंने लिया है, एकदम फ्रीजर में रखा हुआ था मैंने पानी, तो हमें इसमें चिल्ड वाटर ऐड कर देना है। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जो ठंडा पानी हम इसमें मिलाते हैं, उससे जो हमारा मक्खन है वो आसानी से निकल जाता है, वो ऊपर आ जाता है, तैरने लगता है। वरना गर्मी के मौसम में अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर में मलाई है, तो हमारा मक्खन पिघल जाएगा और उसी के अंदर मैश हो जाएगा। इसलिए हमें इसमें मिलाना है ठंडा पानी। अब मैं लूंगी मिक्सी का एक जार, और इसमें मैं ये मलाई बीच में आपको चेक करते रहना है कि आपका मक्खन तैयार हुआ या नहीं। देखिए, मैंने मेरा नहीं हुआ था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा ठंडा चिल्ड, और ये देखिए इस तरीके से हमारा मक्खन सारा का सारा ऊपर की तरफ आ गया। अब मैं ये मक्खन एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे इसका जो पानी है, यानी कि जो दूध है इसमें, वो भी चाहिए, उससे मैं छेना बनाऊंगी। तो इसलिए मैं ये छन्नी वाले बर्तन में नीचे भगोना लगा के इसे इस तरीके से कर लूंगी, ताकि मुझे इसका दूध भी मिल जाए और मक्खन भी इसका अलग हो जाए। देखिए, मक्खन अपने आप इसमें इकट्ठा हो रहा है। तो इसी तरीके से मुझे सारी मलाई में करके तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा बटर, मैंने इतना सारा बटर निकाल लिया है। ये होगा करीब 700 ग्राम के करीब तो होगा ही, और ये इतना मेरा ये जो मिल्क होता है वो निकल जाता है, वो है इसका। मैं अभी आपको छेना बनाना सिखाती हूँ। चलिए, हम पहले बटर से घी बना लेते हैं। तो हम इसे गैस पे रख देंगे, फुल फ्लेम पे हमें इसे बॉईल करना है। और दूसरे बर्नर पे मैं को
को मेल्ट करके और दूसरी तरफ मैं छेना बना रही हूँ। तो अब मुझे छेना बनाने के लिए मैंने पतीली को चढ़ा दिया गैस पे। अब मैं लूंगी एक नींबू, इसे मुझे कट करना है 2 पीसेस में। इसका तो नींबू का रस हमने निकाल लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे डाइल्यूट कर दूंगी। हमें इसे डाइल्यूट कर देना है। अभी मैं इसमें धीरे धीरे ऐड करूंगी जब इसमें बॉईल आ जाएगा। तो आपने इसे अब कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि ये उस पे ना लगे, तले पे ना लगे। कुछ ही देर में घी बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, ये फुल गैस पे है, फुल फ्लेम पे। तो देखिए ये फटने लग गया है, इसे भी टाइम लगेगा फटने में, तो इसे आप चलाते रहें। तो फ्रेंड्स मेरा घी भी बनके तैयार है। और छेने में, इस दूध में से छेना अलग हो चुका है। अब मैं इस छेने को छान लूंगी। इसके बारे में इसे आप पराठे गूंथ का आटा गूंथ सकते हैं या फिर आप रोटी आप इसे पी भी सकते हैं। ये वैसे भी काफी टेस्टी और हेल्दी होता है। आप कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा या फिर मुस्लिन क्लॉथ आता है वो यूज कर सकते हैं। और आप उसमें इसे डाल के इस तरीके से अच्छे से इसे निचोड़ के आप इसे सेट होने के लिए छोड़ सकते हैं। 1-2 घंटे बाद ये सेट हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं उसके बाद, और आप इसे कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप भारी चीज रख के इसे छोड़ दें ताकि ये एक शेप ले ले, फ्लैटन शेप, ताकि आपको उसे कट करने में इजीनेस। घी बन के तैयार है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।